हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल द नेदरनेस पर स्वागत है। आज हम ग्लोबल मार्शल आर्ट का चैप्टर 21 करेंगे। चैप्टर 20 के लास्ट में देखा था कि जो प्रेसिडेंट क्लास प्रेसिडेंट बनने के लिए कंपटीशन किया जा रहा था फांग पिंग और एक लड़के और एक लड़की के बीच में, तो वो लड़का फांग पिंग को चैलेंज करता है, जो कि पहले राउंड में फांग पिंग से हारा था। कि वो जब भी बहुत ताकतवर था पर वो फांग पिंग से हार जाता है, क्योंकि फांग पिंग के पास सिस्टम होता है। जैसे कंपटीशन स्टार्ट होता है, फांग पिंग उसकी तरफ रेत से हमला करता है, जोरदार पंच की तरह जाता है, और वो लड़का ब्लॉक करने के लिए तैयार हो जाता है। और अब मन ही मन सोचता है, मैंने पहली बार मैं इसे हारा था, मैंने अपनी 9 बोन फोर्ज कर ली हैं, अपर बॉडी लोअर बॉडी सभी कर लिया है ट्रेन मैंने आपको, अब की बार मैं इससे नहीं हार सकता। और वो उसका पंच का जवाब दे एक करारे पंच से करना जा रहा होता है, पूरे ओरे वाले पंच से। फांकिंग उसके पंच को डॉज कर देता है आसानी से, और कहता है मन ही मन वो लड़का कि इसने इसका मतलब शुरू से ही पंच नहीं है, मेरे को करने वाला नहीं था, वो तो एक छलावा था। और फांकिंग एक जोरदार किक उसके पैर पर मारता है, और वो पैर जैसे उसका बैलेंस बिगड़ता है थोड़ा सा, और कहता है मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरी लोअर बॉडी बहुत ताकतवर है। और ऐसे ही उसकी तरफ जोर से चिल्ला रहा होता है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम एंट्रेंस एग्जाम से मैं बहुत ताकतवर हो चुका हूँ। तभी उस लड़के के चेहरे पर एक जोरदार पंच आता है, वो फांग पिंग उसके मारता है, उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, उसकी जो नक्सरी होती है उससे नक्सरी से खून निकलता है। कहता बास्टर्ड, तुमने मेरी नाक पर क्यों हमला किया, मेरा चेहरा इतना खूबसूरत है। फिर फांग पिंग उसे कहता है मैंने कहा था ना तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं। और उस पर जोरदार और भी पंच मारता है, और मैंने ये भी कहा था तुम मेरे मुझसे बदला लेने नहीं आओगे, अरे देख लेना मैं तुम्हें तुम्हारा चेहरा ऐसा कर दूंगा कि तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा, और आगे से तुम मुझे कोई प्रोवोक करने की हिम्मत नहीं करोगे। तो उसका चेहरा इतना बिगाड़ देता है, वो बहुत सारे पंच बरसा कर उसके ऊपर, और सभी जब वहाँ पर फांग रहे, वो कहती है फांग पिंग जितना हार्श नहीं गया, उसने थोड़ा सा कम ही इसको पीटा है, देखने से तो यही लग रहा है मुझको, ज़्यादा चोटिल नहीं है, छोटी मोटी क्रोच इसके चेहरे पे। तभी वो जो लाल बाला वाला टीचर होता है कहता है हाँ ये मरने से तो ठीक ही है, इसने तो पहले स्पारिंग मैच में 2 लड़कों को मार ही दिया था, पर कहता है अब की बार इसने कंडीशन थोड़ा अपनी पावर को संभाला है, और सिर्फ सबक सिखाने लायक ही इसको पीटा है। तभी वो दूसरी लड़की की तरफ कहता है स्टूडेंट शाओमे, अब तुम्हारी बारी, तुम उनसे मैच करोगी। तभी जो एक लड़की उस लड़की को कहती है देख लेना तुम्हारा भी हाल ऐसा हो जाएगा जैसे उस लड़के को होगा, क्या तुम करना चाहोगे इससे। तब वो सोचती है उस लड़के की तरफ लगाती है, और देखती है उसका चेहरा, ये तो बहुत बेकार हो गया है, अगर मेरा ऐसा चेहरा हो जाएगा तो मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। और वो कहता है फांग पिंग से पूछती है वो क्या तुम मेरे साथ भी ऐसा ही करोगी। तभी फांग पिंग हंसते हुए कहता है ऑफकोर्स, मैं भेदभाव नहीं करता, तुम्हारी ब्यूटी भी इतनी खास नहीं है वैसे भी। तभी वो इंस्ट्रक्टर को भी कहता है फांग पिंग, इंस्ट्रक्टर वाटांग, क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ डिफरेंस करना होता है लड़के लड़कों के बीच में। तभी कहता है नहीं यार, मार्शल आर्टिस्ट जो बनता है वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं किया जाता लड़के लड़कियों के बीच में। तभी वो लड़की अपने आप को हार मान लेती है, पिटने से बढ़िया मैं हार ही मान लेती हूँ। तभी वो कहती है बहुत ही बुजदिलपना दिखाया तुमने, चलो मैं भी तुम पे दया करता हूँ, मान लेता हूँ। तभी जो टांग होता है कहता है तो तय हो गया है, अब की बार क्लास प्रेसिडेंट फांग पिंग बनेगा, और फांग पिंग ये मैच जीत जाता है और क्लास प्रेसिडेंट पहले राउंड में बन जाता है। तभी कहता है इन्हें भी जाओली, तुम मेरे साथ आओगे मेरे ऑफिस, ट्रेनिंग करूंगा। कहता है स्पेशल कोर्स कल से स्टार्ट होगा, स्कूल टाइम में कोई दखलंदाजी नहीं होगी, स्कूल टाइम के बाद ही होगा, और जनरल इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल जाएगी कल, तो सभी को सभी वहाँ पहुँच जाना स्कूल के बाद। तो सभी बच्चे वहाँ से चले जाते हैं, और फांग पिंग उस लड़के को कहता है तुम्हारा आराम करना हो गया हो तो उठ जाओ अब यहाँ से। कहता है फांग पिंग मैं अपनी हार अभी इस समय तो मानता हूँ, पर तू यूनिवर्सिटी में कहने का, अभी तो हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ शुरुआत हुई है, मैं दोबारा से स्ट्रॉन्ग करूँगा और तुम्हें दोबारा से चैलेंज करूँगा कभी ना कभी। और कहता है तुम रो क्यों रहे हो, कह रो क्यों रहा, मैं तुमने मेरी नोज पे हमला किया था इसलिए मेरी आंखों से आंसू निकल गए, मैं वैसे नहीं रो रहा हूँ। तो वे बाहर निकल के आते हैं, और हंस रहा होता है जो उसका दोस्त होता है फांग पिंग का, तुमने तो मेरी जैसी मेरी हालत हुई थी फर्स्ट राउंड उससे भी बदतर कर दी इसकी, तो मुझे देखने में अच्छा लगा फिर भी कि किसी ने मेरा बदला लिया। बाहर उसकी उसे टीचर मिलती है, टीचर को वो बोलता है थैंक यू टीचर, आपने आज मुझे रास्ता दिखाया और हमारे लिए करने की कोशिश की कुछ। तभी वो कहती है थैंक करने की जरूरत नहीं है, ये तुमने अर्न किया है, सभी सभी तुमने कमाया है, जितने तुम्हारे पास रिसोर्स होगे उतनी जल्दी तुम अपने फ्यूचर में इम्प्रूव कर सकते हो, और जल्दी मर भी सकते हो, अगर मरना होगा तो मरोगे, नहीं तो इम्प्रूव होकर ताकतवर बनोगे, तो इसमें थैंकिंग की जरूरत नहीं है सिंह, अगर इस टाइम का तुम सही इस्तेमाल करोगे तो तुम अच्छे रिसोर्स इकट्ठे कर सकते हो और अच्छी वाइटिलिटी पिल्स और क्रेडिट्स इकट्ठे कर सकते हो, तुम्हें इस टाइम का अच्छी तरह इस्तेमाल करना होगा। एक बार अगर मैजिक यूनिवर्सिटी स्पारिंग कंपटीशन में लूज हो जाएगी, हार जाएगी अगर, तो सारे रिसोर्स बंद हो जाएंगे नेशन की तरफ से हमारी तरफ, तो तुम्हें ना क्रेडिट मिलेंगे ना ही रिसोर्स मिलेंगे, और तुम्हें सब कुछ अपने आप ही करना पड़ेगा फिर, और फिर तुम जितने ताकत नहीं और हो पाओगे, तो जो तुम्हें अभी स्कूल की तरफ से मिल रहा है तुम्हें ले लेना चाहिए, जितना मिल रहा है उतना ले लेना चाहिए, और जितना निकाल सकते हो तुम उतना बढ़िया है। तभी कहता है फांग पिंग इंस्ट्रक्टर, तो फांग पिंग उसे कहता है इंस्ट्रक्टर आप पहले ही इतना क्यों सोच रहे हो, अभी तो मैंने प्रिपेयर ही किया है, और आप आफ्टर का देख रहे हो कि जीतने और हारने का देख रहे हो। तो फिर फांग पिंग कहती है कि मुझे पता है तुम्हें अपने जो कंपटीशन है ओपोनेंट्स उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बारी मैजिक यूनिवर्सिटी में जिंग
मैजिक यूनिवर्सिटी और जिंग यूनिवर्सिटी, इनमें बहुत सारे रिसोर्स बांटे जाते हैं। और दूसरी तरफ नॉर्वेल यूनिवर्सिटी होती हैं जिनमें 10 बिलियन ही यूज किया जाता है सिर्फ। बट कुछ सालों से ही अब दो बिग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स सभी के मारे जा रहे हैं, और वो भी किसके द्वारा? वांग जेंग के द्वारा। वांग जेंग दोनों बिग यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को मार रहा है, और इनकी यूनिवर्सिटी के सभी रिसोर्स, जो लॉट्स ऑफ रिसोर्स इस तरीके से लगाए जा रहे हैं कि इनको ताकतवर किया जाए और उनका सामना किया जा सके जब भी कोई लड़ने आए इनसे। तो इसलिए बहुत सारा काइंड ऑफ रिसोर्स यूज किया जा रहा है वांग जेंग जैसे स्टूडेंट्स को रोकने के लिए। और कुछ तो ये भी कहते हैं कि दे हैड द सेम रिसोर्स अमाउंट उन वांग जेंग जिस स्कूल में, निंजियांग यूनिवर्सिटी में, वहाँ भी इतना ही अमाउंट रिसोर्स मिलता है उनको, तभी वे इतने ताकतवर हो पाते हैं। और वे डंजन्स में जाकर, और शायद पता नहीं उनके पास रिसोर्स कहाँ से आता है, उसका कोई डंजन का अभी पता नहीं इन्हें। तो वो कहती है अभी वो कहाँ से आता है, पर उनके पास आता है वांग जेंग कहाँ से, कहीं से कुछ मिशंस करके लाता है बहुत सारा सोना। तभी फांग पिंग कहता है होली शिट, इसका मतलब वांग जेंग इस मानवा का मेन करेक्टर लग रहा है मुझे तो। तभी कहती है वो कि कुछ अनफोर्सिन इवेंट्स हुए हैं, कुछ ऐसे अचानक इवेंट्स हुए हैं कि कहीं से बहुत सारे रिसोर्स अपने आप ही आ जाते हैं उनके पास, पता नहीं कहाँ से आते हैं ये। तो ये उनको बताती है तो इनके पास इतनी पावर होती है और ये रिसोर्स इतनी जल्दी इकट्ठा कहाँ से करते हैं। तभी फांग पिंग कहता है अनफोर्सिन इवेंट्स इसका मतलब कुछ ना कुछ है, जैसे कि वो टॉम का जिक्र हो रहा था उस समय, तो उस टॉम से रिलेटेड कुछ हो सकता है। जब वांग जेन मुझे कह रहा था कि तुम्हें और ताकतवर होना होगा जब भी तुम इसके बारे में जान सकते हो और कुछ, तो वो एक लाल लाल हमें दिखाया जाता है, एक डंजन टाइप का कुछ, कहता है इसका मतलब वहाँ पर कुछ तो हो रहा है, समथिंग विल हैपन इन फ्यूचर। लंच हो जाता है, लंच के टाइम फांग पिंग और उसका दोस्त लंच करने आ जाते हैं और वहाँ पर बैठे होते हैं। फांग पिंग मनी मन सोच रहा था मुझे जल्दी जल्दी कल्टीवेट करना होगा, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, तो मुझे उसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। तभी वो वहाँ लंच करने बैठता है तो पीछे बहुत सारी लड़कियाँ बैठी होती हैं, वो फांग पिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। उन्होंने फांग पिंग को देखा नहीं होता पर उसके नाम के जिक्र हो रहा होता है कॉलेज में, तो वो बात कर रहे होते हैं फांग पिंग बहुत ही ताकतवर लग रहा है, उसने तो उसको भी हरा दिया लड़के को जो बहुत ही ताकतवर था और हैंडसम भी था। और फांग पिंग मुझे तो लगता है रैंक वन के पीक पे पहुंच गया है। और तभी कुछ लड़कियाँ कहती हैं इम्पोसिबल, ऐसा थोड़ा हो सकता है, इतनी जल्दी थोड़ा कोई पीक रैंक वन पे पहुंच जाएगा, वो तो फ्रेशर था। तभी कहता है क्या तुम्हें लगता है फांग पिंग अपने आप बारे में सोचता है सिर्फ? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं लगता, जब डिफरेंट स्कूल सिलेक्शन हो रहा था उसने, जो उसका दोस्त है ना जो संतरी बाल वाला, उसने उसका चेहरा बिल्कुल ख़राब होने दिया था और अब उसको उसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं की थी, क्योंकि जबकि वो ताकतवर था उसकी हेल्प कर सकता था। फिर कहता है शायद वो उसकी ना खूबसूरती से जलता था इसलिए उसको ऐसे उसने पिटने दिया और उसका चेहरा बिल्कुल एक फेस बना दिया, यानी खराब करवा दिया। तभी एक लड़की कहती है क्या फांग पिंग भी खूबसूरत है? कहता है हाँ, जैसे तो जोली के कंपेयर करें, बाकी लड़कों को कंपेयर करें तो फांग पिंग मुझे नहीं लगता इतना खूबसूरत होगा, वो बस उनसे जलता है उनकी खूबसूरती से, इसलिए उनको पीट पीट के उनका चेहरा खराब कर देता होगा, मुझे तो ये लगता है। तभी वो पिंक बालों लड़की है वहाँ पर आती है और कहती है हाँ तुम ठीक समझ रही हो, लड़कों से तो जलता ही जलता है, वो लड़कियों से भी जलता है, तुमने देखा नहीं क्या जब स्कूल सिलेक्शन का टाइम था वो लड़कियों को पीट रहा था ढूंढ ढूंढ कर सभी को, और वो मुझ पर भी हमला कर रहा था, और तुमने कल तो देखा ही होगा, कल का सुना, कल वो स्पेशल कोर्स में मुझे भी लड़ाई के लिए चुनौती दे रहा था और मेरा भी चेहरा ऐसे खराब करने वाला था। तभी लड़की कहती है हाँ हाँ मैंने सुना, वो तुमसे लड़ाई करने वाला था, तुम्हारे से बैटल करने वाला था, वो तो तुमने गिव अप कर दिया। हाँ तो देखा ना तुम समझ गए ना इन सभी बातों से, वो लड़का बहुत ही अनसिविलाइज्ड है और लड़कियों की केयर नहीं करता, ना ही लड़कों की केयर करता, तो किसी को उसको दोस्त बनने की जरूरत नहीं है, उसका दोस्त बनाने की जरूरत नहीं है, उसको जिंदगी भर कुंवारा रहने दो और उसको उसकी केयर नहीं करना, और नई लड़कियाँ आई उनको भी बता देना कभी वो उसको उनको टॉर्चर करे। तब वही फांग पिंग उन्हें देख रहा था और सभी लड़कियाँ उसकी हाँ भी मान जाती हैं, पिंक बाल वाली लड़की की कि हाँ तुम ठीक कर रही हो, हमें फांग पिंग से दूर रहना चाहिए उससे। तभी वो लड़का फांग पिंग उनकी बातें सुनकर कहता है इस लड़की को तो मैं सबक सिखाऊंगा एक दिन फ्यूचर में। तभी जो संतरी बालू लड़का उसके साथ बैठा होता है और कहता है फांग पिंग क्या तुमने स्कूल सिलेक्शन के टाइम मेरी हेल्प नहीं की थी, मुझे पिटने दिया था, क्या तुम मेरी खूबसूरती से जलते हो, मेरे चरिश्मा से जलते हो? वो कहता है नहीं ये मजाक है, क्या बातें कर रहे हो तुम। फिर सीन चेंज होता है और रात का टाइम होता है, अब अपने हॉस्टल में होते हैं, हॉस्टल में सारी चीज़ें हिलने लग जाती हैं क्योंकि वहाँ जोरदार एक अर्थक्वेक भूकंप आया होता है, सभी बच्चे भाग कर अपने हॉस्टल से बाहर निकल के आते हैं, ओपन ग्राउंड में आते हैं और वो देखते हैं आसपास अब सभी शेकिंग हो रही थी और अचानक फिर एकदम रुक जाती है शेकिंग। तभी वो कहते हैं कोई नहीं कोई नहीं, स्कूल का रेजिडेंस है, वो अर्थक्वेक रेजिडेंट बना रखा है यहाँ पे, ये बिल्डिंग गिरने वाली नहीं है इतनी आसानी से, छोटे मोटे अर्थक्वेक से हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी देर में सब हो जाएगा ठीक। सभी बच्चे ऐसे अर्थक्वेक कुछ डर सी गए थे, पर फांग पिंग कहता है ये कुछ नॉर्मल अर्थक्वेक नहीं लग रहा मुझे, क्या ये अर्थक्वेक था कुछ इतना स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक, कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है इस मैजिक यूनिवर्सिटी में, कुछ ना कुछ अर्थक्वेक हो रहा है और इस रेंज के अंदर हुआ है ये हर बारी अब की बार। तभी हमें बहुत सारे स्टूड बच्चे दिखाई जाते देते हैं जो लाल हो रहा में बाहर निकले और निकल रहे होते हैं, सभी के सभी अपने आर्मर ड्रेस में होते हैं और अपने अपने वेपन्स टांगे होते हैं, और उनके सामने उनके डीन होते हैं जो कि उनको एक
कहीं लेके जा रहा होता है कुछ युद्ध के लिए या कुछ वॉर के लिए या किसी डंजन में, तो मुझे तो लगता है ये किसी डंजन का गेट ओपन होता है जब भी अर्थक्वेक आता है। तो आपको आगे पता चलेगा इस वीडियो में। अगर आपको इसकी एक्सप्रेशन अच्छी लगी हो तो 21 की लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना नेक्स्ट एपिसोड के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।